उधर कुरुक्षेत्र में कृषि विभाग की ओर से स्थापित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती से मुक्ति के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा और 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गुरुकुल प्रांगण में प्राकृतिक कृषि खेती का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह समेत कई विधायक और कृषि जगत से गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खादों से मुक्ति के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा, जिसके लिए सरकार ने 1 लाख हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा है। जैसे ही उत्पादन की कीमत बाजार में ज्यादा मिलती है तो उनकी आय बढ़ सकती है, खर्चा उनका कम होगा, क्योंकि रासायनिक खाद का और जो कीटनाशक का भी खर्चा लगभग जो 3600 रुपया प्रति एकड़ पड़ता है, इस पद्धति से 400 से 500 रुपया ही खर्चा आएगा, तो ये 3000 रुपया हर किसान को प्रति एकड़ बचेगा। तो ऐसा एक वातावरण बनाकर जब प्रारंभ करेंगे और इसमें कुछ चंक कुछ ब्लॉक इकट्ठे अगर प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो उसमें फिर आसपास से जो रासायनिक खेती का प्रभाव है वो भी नहीं पड़ता है। ऐसा एक वातावरण बनाकर के इसको शुरू करेंगे। इस वर्ष 1 लाख एकड़ जमीन हम प्राकृतिक खेती में लेकर के आए और जो गाय इस प्रकार के किसान गाय को पालेंगे उनको प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी, उसका प्रबंध करेंगे ताकि वो किसान के यानी गाय के पालन में उनकी रुचि बढ़े। मैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस मौके पर कहा कि देसी गाय पर आधारित प्राकृतिक खेती के फायदे ही फायदे हैं। लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है, स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पाद लाभकारी होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्राकृतिक खेती किसान अपनाने लगे तो प्रधानमंत्री की ओर से किसानों की आय साल 2022 तक बढ़ाने का संकल्प भी पूरा होगा। कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि हम हरियाणा प्रांत के किसानों में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यह कृषि पद्धति देसी गाय पे आधारित है। इस कृषि पद्धति में किसी भी प्रकार के खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल जीवाणुओं पर आधारित यह कृषि है। इसमें उत्पादन कम होगा नहीं और लोगों का स्वास्थ्य जो महती चिंता है आज, इससे वो स्वास्थ्य भी बचता है और किसान की आय जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2022 तक भारत के किसान की आय दोगुनी हो, उस दिशा में भी ये पद्धति कारगर होगी। आपको बता दें कि पहले चरण में 22 जिलों के 500 से 1000 किसानों को बुलाकर प्रेरित किया जाएगा, जहां लोगों को प्राकृतिक खेती के लाभ भी बताए जाएंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनका खर्चा भी कम होगा। कुरुक्षेत्र से जनता टीवी के लिए रणदीप रूड़ की रिपोर्ट।